अस्सलाम वालेकुम, की हाल है तुहाडे सारिआं दा? उम्मीद करनी आ सारे ठीक ठाक होवोगे। सब तो पहला जी तुहानू सारिआं नूं ईद दा पहला दिन ईद नूं, और अज जी मैं रैसिपी दे रही हाँ चिकन टिक्के दी, ठीक है? बगैर कोयलां तों, बगैर लकड़ां दी अग तों असीं बनांगे चिकन टिक्का, ठीक है? और किस तरह असीं बनांगे उह असीं तुहानूं नाल नाल दस्सांगे। इत्थे असीं लसण अदरक दा पेस्ट भी चिकन 'च पाया, ठीक है? किलो तों उपर ही चिकन है, ठीक है? तो इहदा पेस्ट असीं विच पाया, ठीक है? इस तों बाद असीं इहदे 'च पावांगे दही, जितने दही की सानू जरूरत है उतना, ए ज़्यादा दही असी नहीं पाना, ठीक है? बस इतना ही, दो तो ढाई चम्मच सिया दही मिक्स करांगे। उस तो बाद जी सिया मसाले पावांगे, डेढ़ चम्मच नमक, डेढ़ चम्मच लाल पीसी हुई मिर्च का पाउडर, दो चम्मच मसाले और डेढ़ चम्मच ही जड़ा है तिक्का मसाला, ठीक है? तुसी स्पाइसिस कम या ज़्यादा कर सकते हो। इत्थे असी सोया सॉस थोड़ा सारा विच पावांगे। अज ईद दे पहले दिन असी बनांगे चिकन टिक्का, ठीक है? और असी पावांगे इहदे च, और जी इत्थे असी लैमन जूस कढ़ के रखे हुए सन, ठीक है? और दो टुकड़ियां असी उह पावांगे। असी इहनू करांगे अच्छी तरह मिक्स। असी इहनू चार घंटे जिहड़ा है ना इस तरह मसाले लगा के रख देवांगे। तुसी चाहो तो पूरी नाइट भी है, यानी कि पूरी रात जिहड़ा ना इहनां तुसी मसाले ला के रख सकते हो ओवरनाइट, ठीक है? लेकिन साढ़े कोल टाइम थोड़ा, साढ़ा अचानक प्रोग्राम बनिया, इस वास्ते असी जिहड़ा मसाले आ ला के रखांगे चार तो पाँच घंटे वास्ते। बस उस तो बाद असी करांगे इहनूं कुक, ठीक है? अच्छी तरह इहनूं करना असी मिक्स। ऐ देखो जी साडा अच्छी तरह हो गया मसाला मिक्स, ठीक है? इहनूं असी रख देवांगे, बाकी प्रोसीजर असी तुहानूं नाल दस्सने आ। इत्थे जी असी ले लिया इक तिला, और सानू पाँच घंटे हो गए ने इहनू मसाला लगा के रखे हैं, ठीक है? चैक कर सकते हो, इहनू असी पाने पतीले विच, ठीक है? पतीले नू असी बिल्कुल सही साफ कर लैना। इत्थे जी असी थोड़ा सारा पाना इहदे च आयल, बस दो तो तीन चमचा आयल दियां पानियां ने। फिर असी इहनू देना उत्तों टक इस तरह, ठीक है? और जी इत्थे असी जिहड़ा आँच बहुत हल्की रखनी है, ठीक है? बिल्कुल हल्की आँच ते असी इहनू बनाउणा। इत्थे तुसीं वेख सकते हो, ठीक है? दही ने सारा पानी छड़ दिता, ठीक है? इस तरह असी थोड़ी थोड़ी देर बाद इहनू चेक करदे रहना, लेकिन डोई विच कट ही मारनी, ठीक है? फिर इहनू ढक देवांगे, हल्की आँच ते ही रखिया सी। दोबारा तो 7-8 मिनट बाद चेक करन आए, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त खुशबू आ रही है। इत्थे असी इहनू दोबारा ढक दिता है, हुण असी इहनू कम से कम 8 मिनट होर लगनगे, ठीक है? मजीद 8 मिनट तो बाद असी इत्थे हुण चूल्हा भी तेज़ कर दिता है, ठीक है? 10-15 मिनट तो बाद असी चूल्हे की आँच तेज़ की है, क्योंकि साड़ा चिकन अच्छी तरह गल गया है। तो हुण असी आँच तेज़ करके तैनू रखिया, हुण इस तरह बनना। इत्थे जी तुसीं देखो माशाल्लाह साढ़े टिक्के जबरदस्त चिकन गल गया, ठीक है? देखो पानी भी दही भी सारा खुश्क हो गया, ठीक है? इत्थे असी इहनू चूल्हा करांगे चूल्हे की आँच बंद, आँच बंद करके इत्थे असी रखांगे नाल कोयला, कोयला गर्म करांगे, ए वाला कोयला, ठीक है? देखो इत्थे जी असी डिश रखी है, हाथ चो कोयला छुट गया, अपने कपड़े उत्ते आ के डिग गया, मसां बची गईआं।
ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਇਲ ਦਵਾਂਗੇ ਉੱਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਟਿੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਔਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਬਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕੇ ਬਣਾਈ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਸਪਰਾਈਟ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟਿੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।